हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई फिल्म भोर की। करीब 30 इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दर्शाई जा चुकी इस फिल्म को दुनिया भर में पसंद किया गया। कई फिल्म फेस्टिवल्स में ऑडियंस ने इसे स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। इस फिल्म ने ओटावा इंडियन फिल्म फेस्टिवल कनाडा में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। वहीं कैलाइडोस्कोप इंडियन फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में बेस्ट फीचर ऑन सोशल इश्यूज और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल भी अपनी झोली में किए। रस्टिक चार्म, सटल रोमांटिक मोमेंट्स, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले के ताने बाने में बुनी गई ये फिल्म एक मस्ट वॉच मूवी है। ये छोटे से गाँव की एक लड़की के सपनों और सामाजिक संघर्ष की कहानी बयां करती है। भोर को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है और अंजनी कुमार सिंह ने इसे प्रोड्यूस किया है। भोर की कहानी एक छोटे से गांव की लड़की बुधनी के इर्द गिर्द घूमती है। मुसर समाज की ये लड़की पढ़ना चाहती है, मगर उसका पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध कम उम्र में ही उसकी शादी पक्की कर देता है। What is your name? My name is बुधनी। ये फिल्म एक रिफ्रेशिंग चेंज है, कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा से कुछ हटकर है। पढ़ाई करना या नहीं करना? अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। दोनों के डायलॉग डिलीवरी और अभिनय में गांव की सादगी पूरी तरह से झलकती है। बुधनी का किरदार सावरी श्री गौर ने निभाया है। सावरी दिल्ली के मशहूर अस्मिता थिएटर ग्रुप के निर्देशक अरविंद गौर की बेटी है। कंगना रनौत और पीयूष मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार इसी ग्रुप ने फिल्मी दुनिया को दिए हैं। सुगन का किरदार देवेश रंजन ने निभाया है। देवेश की डेब्यू फिल्म वरा अ ब्लेसिंग में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई थी। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या ने फिल्म का बेहतरीन तरीके से निर्देशन किया है, जो कि 1.5 घंटे की इस फिल्म के हर दृश्य में झलकता है। गाँव देहात में शादी किस तरह होती है, इसकी एक झलक आपको बुधनी और सुगन की शादी के दृश्यों में दिख जाएगी। बेटे की शादी का नशा कैसे सुगन के पिता चमकू के सर चढ़कर बोलता है, ये इस किरदार को पर्दे पर जीवंत करने वाले एक्टर नलनीश नील के अभिनय में आपको दिखेगा। नलनीश छिछोरे, फुकरे रिटर्न्स, शुद्ध देसी रोमांस, द वाइट टाइगर और रईस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये फिल्म आपको रियलिस्टिक सिनेमा से रूबरू करवाती है। बुधनी ने आगे पढ़ाई जारी रखने की शर्त पर शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर शादी के बाद पखाना यानी टॉयलेट की एक नई समस्या का उसे सामना करना पड़ता है। ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि अपनी प्यारी पत्नी के प्यार में डूबे सगुन ने उसकी इस समस्या का क्या हल निकाला। बहुत से गांव में आज भी घरों में टॉयलेट नहीं होने की वजह से महिलाओं को भोर के समय बाहर जाना पड़ता है। रूरल इंडिया में सैनिटाइजेशन के इसी इशू को ये फिल्म स्पॉटलाइट में लाने का काम करती है। विमेन एम्पावरमेंट और सैनिटाइजेशन के इश्यूज के अलावा और भी कई मुद्दे फिल्म की कहानी और किरदारों के जरिए उठाए गए हैं। बुधनी पूरे जिले में टॉप करती है और डीएम साहब उसको 25,000 रुपए इनाम में देते हैं। मगर तब क्या होता है जब बाप बेटा दोनों ये रुपए नाच गाने में उड़ा देते हैं। जी हाँ, फिल्म में मसाला बॉलीवुड फिल्मों की तरह आइटम नंबर का तड़का भी लगाया गया है। एक और परेशानी बुधनी और सगुन के सामने आती है और मजबूरी में पति पत्नी दोनों को दिल्ली जाना पड़ता है, मगर शौचालय की समस्या वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। और जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बुधनी का नाम लिया तो मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने पहुँच गए और फिर शुरू हुआ एक आंदोलन शौचालय के अधिकार का, अ मूवमेंट फॉर राइट टू टॉयलेट। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कामाख्या नारायण सिंह के साथ रंजन चौहान और भास्कर विश्वनाथन ने लिखे हैं। सामाजिक मुद्दों पर बनी ये रियलिस्टिक फिल्म समाज की वास्तविकता दिखाती है। ये फिल्म एक मैसेज देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है, समाज को जागरूक करने का काम करती है। हम इसे 5 में से 3.5 स्टार्स +0.5 यानी 4 स्टार्स देंगे। एक्स्ट्रा इसलिए कि इस फिल्म में गांव वालों की सादगी और उनके जीवन की वास्तविकता को बखूबी दर्शाया गया है। बॉलीवुड मसाला फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, अब आम इंसानों के जीवन पर बनी इस खास फिल्म को एक बार जरूर देखिए। सुनाओ लेट मी स्टॉप माई शिट और आप लोग फ्री में एमएक्स प्लेयर पर इस मूवी को जरूर देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इसे कितने स्टार्स देंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। स्क्रीन पर आपको हमारे दूसरे वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे, उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।